नमस्कार मित्रों, जय माता संगता। आज हम बात करते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी महिलाओं से संबंधित व्रत है। महिलाएं जब मासिक से संबंधित होती हैं तो उनसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है मासिक के दौरान, या किसी चीज़ को छू लिया गलती से, उन्होंने मान लो तुलसी को ही छू लिया, तो ऐसे छोटे छोटे से जो पापकर्म हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का एक वर्ष में व्रत होता है। ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। 8 सितंबर 2024 को है। इस व्रत में पूजा जो सामग्री होती है, पान, सुपारी, केला और जो भैंस होती है, दूध, दही, घी, पंचमेवा और एक चौकी जिसमें भगवान को स्थापित करना है, और इसमें पसाई के चावल, जनेऊ का उपयोग होता है। इसमें अधिकतर सामग्री वही होती है जो हल षष्ठी में होती है। जो खेतों में पैदा हुई चीज़ होती है उसका इसमें प्रयोग नहीं होता है। अब हम निषेध की तरफ बात करें कि जो चौक बनाना होता है उसको पीला चंदन से आप बना सकते हैं। हल्दी का इसमें निषेध है, हल्दी का प्रयोग न करें। और जो जोता बखरा, इसका मतलब है कि जो खेतों में चीज़ पैदा होती है उसका प्रयोग न करें। हल षष्ठी के जो नियम है इसका पालन। अब हम बात करते हैं पूजा की। अब पूजा का जो पट है उस पर सबसे पहले आपको पूजा में भगवान शिव और गौरी की यदि मूर्ति है या गणेश जी संयुक्त हैं तो उनको आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु का भी यहाँ प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम गुरु की बात करें, ऋषि की बात करें, तो आदि गुरु भगवान शिव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे मत से भगवान शिव का ही पूजन यहाँ होना चाहिए, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के वहाँ भगवान विष्णु को भी वहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने गुरु का ध्यान कर लें और यहाँ गणेश का ध्यान कर लें और भगवान शिव गौरी के यहाँ मूर्ति या कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। नहीं है आपके पास तो उनके नाम से मिट्टी या जो आपको दिखाई दे रहा है श्रीफल या सिपाही उनके नाम से रख सकते हैं। और जो सप्त ऋषि हैं तो 7 श्रीफल का प्रयोग कर सकते हैं, सिपाही प्रयोग कर सकते हैं। यदि श्रीफलों का आप प्रयोग करते हैं तो इनको एक पीले कपड़े में बांध कर आप एक वर्ष तक अपने घर पर यदि रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको समृद्धि भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमदग्नि, भारद्वाज, ये 7 ऋषि हैं। और 7 ऋषियों को आप यहाँ पर उनके नाम से श्रीफल या सिपाही रख सकते हैं और फिर उनको दीपक आप जला दें। इसके बाद फिर आप कथा का पाठ करें। कथा का पाठ करने के बाद पहले जो महिलाएं हैं वो अपने प्रक्रिया से पहले सिर में बिंदी वगैरह अवश्य लगा लें और सिर को बांध लें। उसके बाद दिन भर आप पाठ करने के बाद उपवास करें। उपवास करने के बाद जो ब्रह्मचर्य से रहें। यदि प्राचीन काल में रात्रि सेवन होती थी, रात्रि का जागरण भी होता था, लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है, तो आप सात्विक तौर पर ब्रह्मचर्य का सेवन करके व्रत रहें। और यहाँ पर आप भगवान शिव से संबंधित या आदि गुरु शिव का या शिवो हम इस तरह से या सप्त ऋषियों का आप ध्यान कर सकते हैं, अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं, अपने ईष्ट का ध्यान कर सकते हैं और इस तरह से व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। पंडा ज्योतिष केंद्र उरई।